Hello guys, welcome to the online classes for UPSC Engineering Services GATE and SSC JE by Engineers Pride Jaipur. So basically हम लोग strength of materials पढ़ रहे थे यहाँ पे. Chapter 1 हमारा चल रहा है और ये I think lecture 7 है. ठीक है. Lecture 7 या lecture 8 I don't remember, but ऐसे ही कुछ है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था माइल्ड स्टील का, तो वहां से लिंक कर लेना इसको. आई थिंक 7 ही है ये, 8 नहीं है. ठीक है. देखो यहां पे एक नोट लिखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखाना चाहता हूं यहां पे आपको. नोट ये है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था माइल्ड स्टील का पिछले लेक्चर के अंदर, वो कुछ इस तरह का था. जैसे इस तरह का था ये स्ट्रेन, यहाँ पे ये स्ट्रेस, और ये कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से था. ठीक है. तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो नोट में आपको पहला पॉइंट लिखना है, नोट का पहला पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिपेंड्स ऑन. यहाँ पे देखो क्या क्या, किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है. ठीक है. पहली चीज है टेम्परेचर ऑफ स्पेसीमैन. ठीक है. ये जो स्पेसीमैन है, ये आपका जो ये स्पेसीमैन है, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब आप कितने टेम्परेचर पे टेस्टिंग कर रहे हो. टेस्टिंग करने के लिए आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम टेंशन टेस्ट करते हैं. ठीक है. तो उस समय कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. ये देखो थोड़ा सा एडवांस नोट है, ये यूपीएससी के जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर ये पूछा जाता है. तो काफी अच्छा ये नोट है. दूसरी चीज, मैं जिस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं, वो उतनी अच्छी है कि दिल्ली की कोचिंग्स उसके सामने कंस्टेंट नहीं करती, क्योंकि वहां पे क्लास में टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक चीज डेप्थ में जाके करवा सके. ठीक है. तो इन वीडियोस को आप अच्छे से देखो, चाहो तो आप इनको रिपीट करो, अच्छे से लिख लो, और पिछले 25 साल के क्वेश्चन सोल्व कर लो, सफिशियंट है, दैट्स इट. ठीक है. और वैसे क्वेश्चन तो सारे मैं इसी में करवा दूंगा, आपको रिविजन करना बैठ के. ठीक है. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिपेंड्स ऑन, पहली चीज होगी टेम्परेचर, दूसरी चीज होगी रेट ऑफ लोडिंग. रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग. ठीक है. किस रेट से आप इस स्पेसिमेन पे लोड बढ़ा रहे हो. ठीक है. आप धीरे धीरे क्या करोगे, इस पे लोड लगाओगे. जैसे ये पहले मान लो 5 किलो लोड लगाया, फिर 1 मिनट के अंदर वो बढ़ के 6 किलो हो गया, फिर 1 मिनट में और 1 मिनट के बाद में वो 7 किलो हो गया, 8 किलो, इस तरह से लोड बढ़ा रहे हो आप. तो रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा इसका शेप. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का शेप रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा. रेट ऑफ लोडिंग आपकी दो प्रकार से हो सकती है. ठीक है. या तो ग्रेजुअल हो सकती है, या फिर रैपिड हो सकती है, फास्ट हो सकती है. ठीक है. तो बेसिकली जो हम ये टेंशन टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करके, उसमें जो स्पीड होती है, रेट ऑफ लोडिंग होती है, वो ग्रेजुअल होती है. तो ये जो कर्व हमको मिला है, ये ग्रेजुअल लोडिंग के लिए मिला है, ग्रेजुअल लोडिंग के लिए मिला है. ठीक है. काफी धीरे धीरे लोड हम इंक्रीज करते हैं. अगर आपने रैपिड लोडिंग कर दी, तो फिर ये हो सकता है इसका शेप कुछ और आएगा. काफी स्पीड से आपने लोडिंग कर दी, तो इसका शेप कुछ और आएगा. इस चीज का ध्यान रखना होगा यहां पे आपको. तीसरी चीज यहां पे मैं बता दूं, जैसे ये माइल्ड स्टील का था. ठीक है. दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाज फॉर माइल्ड स्टील. ठीक है. अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तब भी इसका कर्व चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस ड्यू टू चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर आपने चेंज कर दिया तब भी इसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोसेस के अंदर देखो दो प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकते हैं, एक होता है अनीलिंग और दूसरा होता है क्विंचिंग। ठीक है, अनीलिंग के अंदर बेसिकली ग्रेजुअल कूलिंग होती है, ग्रेजुअल कूलिंग। ठीक है, ग्रेजुअल कूलिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर रैपिड कूलिंग होती है, रैपिड कूलिंग होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे आपको लोहे की मान लो बार बनानी है 16 mm डायमीटर की। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो पिघला हुआ लोहा है उसको प्रॉपर शेप में देके उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर शेप देके उसको ठंडा किया जाता है। अब ठंडा आप धीरे धीरे कर रहे हो, ग्रेजुअली कर रहे हो, तो उसको अनिलिंग बोल देते हैं, और अगर आप स्पीड से कर रहे हो तो उसको क्विंचिंग बोल देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया एक प्रकार का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अनिलिंग के अंदर क्रिस्टल अच्छे से बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर अनिलिंग में अच्छे से क्रिस्टल बन जाते हैं, क्विंचिंग में क्रिस्टल अच्छे से नहीं बनते हैं। एग्जैक्टली क्रिस्टल किस तरह से बनते हैं ये मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा आपको मैं, मटेरियल साइंस जो कि नॉन टेक्निकल टॉपिक है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, और मैकेनिकल वाले तो इसको और भी अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, उनके तो काफी डिटेल में आता है ये अनिलिंग और क्विंचिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंस आ जाने की वजह से जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है मेटल का, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी चेंज हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तीन पॉइंट यहां पर ध्यान रखने होंगे। और एक चीज जैसे मैं आपको बता दूं, बता देता हूं फोर्थ पॉइंट और लिख लो। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में कोई डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, तो इस डक्टाइल मटेरियल की अगर रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग, देखो रेट ऑफ लोडिंग ग्रेजुअल है, रेट ऑफ लोडिंग ग्रेजुअल है, तो ये डक्टिलिटी शो करेगा, डक्टिलिटी दिखाएगा, दिखाएगा। ठीक है, डक्टिलिटी दिखाएगा। अगर इस डक्टाइल मटेरियल की रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग रैपिड है, ठीक है, तो ये ब्रिटलनेस दिखाएगा, ब्रिटलनेस दिखाएगा। अब ये ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी क्या होती है, मैंने बताया था ब्रिटलनेस के अंदर क्या होता है, फेल होने से पहले, ब्रेक होने से पहले सफिशियंट वार्निंग नहीं देता है, उसमें इलोंगेशन नहीं होता है, अचानक से टूट जाता है। जबकि डक्टिलिटी दिखाएगा, इसका मतलब क्या, पहले वो लंबा होगा काफी ज्यादा, उसकी नॉर्मल लेंथ मान लो 1 मीटर है, तो फेल होने से पहले हो सकता है वो 1.25 मीटर या 1.5 मीटर हो जाए, फिर जाके टूटे। ठीक है, और वैसे एक फेल जैसे माइल्ड स्टील कितना लंबा हो जाएगा फेल होने से पहले, जैसे मान लो माइल्ड स्टील की लंबाई है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बोले तो 1000 mm, तो फेल होने से पहले कितना लंबा हो जाएगा माइल्ड स्टील, आपसे सवाल पूछ सकता है कोई भी, माइल्ड स्टील फेल होने से पहले कितना लंबा हो जाएगा। देखो सारे केसेस में जो लोडिंग होती है, जो जितने भी हम टेस्टिंग करते हैं, सबकी सब ग्रेजुअल लोडिंग होती है। ठीक है, सबकी सब क्या होती है, ग्रेजुअल लोडिंग, ये स्टैंडर्ड है, हमेशा ग्रेजुअल लोडिंग ही लगाया जाता है। ठीक है, बट ये रैपिड लोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि लोडिंग अगर रैपिड हो तो क्या हो जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल भी ब्रिटल मटेरियल बन जाता है, ब्रिटल मटेरियल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ब्रिटलनेस दिखाएगा। तो देखो माइल्ड स्टील की मैं बात करूं तो
तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था हमने इस तरह से, बना था इसका कर्व, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बना था, इस तरह से बना था, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्रैक्चर हो रहा था, और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो स्ट्रेन होती है वो 20-30% होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्रैक्चर के टाइम पे, ये जी है, जी पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर के टाइम पे अगर स्पेसीमैन की लेंथ मान लो 1 मीटर थी, मतलब 1000 mm थी, तो फेलियर के टाइम पे उस स्पेसीमैन की लेंथ हो जाएगी आपकी 1200 mm से लेके 1300 mm के आसपास, ठीक है, फेलियर के टाइम पे। और मैंने यहाँ पे और भी चीज़ें आपको बताई थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फेलियर के टाइम पे स्ट्रेन कितना होता है। ये 2-3 बार सवाल आ चुका है, सोम के अंदर भी आ चुका है, स्टील के अंदर भी आ चुका है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है वो 0.12% होता है, 0.12%, ठीक है। तो 0.12% का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मतलब 1000 का 0.12% निकाल लो, ठीक है। तो ये 1.2 मतलब बेसिकली यील्डिंग के टाइम पे इसकी जो लेंथ बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी 1.2 mm, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1001.2 mm, ठीक है। देखो केवल 1.2 mm बढ़ी है यील्डिंग के टाइम तुम देखो, ठीक है, मतलब यील्डिंग जब स्टार्ट हुई है तब उसकी लेंथ कितनी बढ़ी है, 1.2 mm, और यहां तक, और फ्रैक्चर जब होगा तब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1200 mm, मतलब 200 mm बढ़ जाएगी, मतलब इसकी लेंथ देखो कितनी वार्निंग दे रहा है ये आपको कितनी वार्निंग दे रहा है यहां पे, इस चीज को समझो आप। ये देखो बेचारे ने 1.2 mm लेंथ बढ़ा दी पहले, और फिर फेलियर तक इसने अपनी लेंथ लगभग 200 से लेके 300 mm तक बढ़ा दी, मैं तो चलो 200 मान लेता हूं, इतनी बढ़ा दी, मतलब इतना लंबा हो गया वो, तो सोचो जरा कितनी वार्निंग मिली है आपको। जबकि ये अगर ब्रिटल होता तो ये यहीं पे टूट जाता, यहीं पे इसका गेम खत्म हो जाता, ये सब नहीं आता, ये 200 mm आपको देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रेट ऑफ लोडिंग का इफेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल लोडिंग के केस में होता है, रैपिड अगर लोडिंग आप करोगे तो वहां पे फिर कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का स्केच नहीं आएगा। ये जो स्केच है जितने भी मैं बना रहा हूं सबके सब ग्रेजुअल लोडिंग के लिए है, रैपिड लोडिंग के लिए नहीं है। रैपिड लोडिंग में डक्टाइल मटेरियल आपका ब्रिटलनेस दिखाएगा, ठीक है। हाँ, एक और नोट यहां पे लिख लो, इफ रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी 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 ग्रेजुअल, बहुत ही कम है, जितनी हम टेस्टिंग करते हैं उससे भी बहुत ही कम है, तब क्या होता है, कोई ब्रिटल मटेरियल भी होता है ना, ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल मैंने बताए थे, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल भी है ना कोई, वो भी डक्टिलिटी शो करेगा, विल शो डक्टिलिटी। ब्रिटल मटेरियल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे कंक्रीट होता है, ठीक है, ग्लास होता है, स्टोन्स होते हैं, ठीक है, ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन होता है, ठीक है, बताया था मैंने, पिग आयरन होता है, ठीक है, ये सब ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, कंक्रीट, ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल। हाँ, कंक्रीट की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, दिस इज द कंक्रीट ब्लॉक सपोज, ठीक है, इस कंक्रीट ब्लॉक पे आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा दिया, मतलब इस तरह से ये डूबा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो इसके चारों तरफ प्रेशर लग रहा है इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से इस कंक्रीट के ब्लॉक पे प्रेशर लग रहा है, तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन के अंदर
इस कंडीशन के अंदर कॉन्क्रीट है तो क्या ब्रिटल, बट ये डक्टिलिटी शो करने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और यहाँ पे ये स्पेशल नोट है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, स्पेशल नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेजुअल फास्ट और इन सब का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, बट कंक्रीट के ब्लॉक को अगर आपने इस तरह से पानी में रख दिया और चारों तरफ से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है, ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है ये सब मैं फ्लूड मैकेनिक्स में बताऊंगा, बट उस केस में ये फिर क्या करेगा, ये डक्टाइल बिहेवियर करेगा, डक्टाइल फेलियर होगा इसके अंदर, ठीक है, डक्टाइल फेलियर होगा इसके अंदर। तो ये स्पेशल नोट है, ध्यान रख लेना, ये पूछा गया एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिकली अपन नोट पढ़ रहे थे, नोट के पॉइंट्स चल रहे थे सारे, ठीक है। चलो नोट का एक और पॉइंट यहां पे मैं आपको बता देता हूं, चलो बाद में बताऊंगा उसको, एक साथ बताऊंगा मैं। चलो तो ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील अंडर कंप्रेशन, ठीक है। वहां तो ऊपर जो हमने पढ़ाया वहां पे अंडर टेंशन था, ठीक है। यहां पे अब कंप्रेशन के अंदर पढ़ेंगे हम, जैसे मान लो ये बार है, माइल्ड स्टील की बार है, ठीक है। तो इस पे बेसिकली इस तरह से कंप्रेसिव लोड लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन वाला केस हो गया और ये टेंशन वाला केस था यहां पे, जैसे पिछला हमने पढ़ा था, ये टेंशन वाला केस था, सॉरी, ये ठीक है, ये टेंशन वाला केस था, ठीक है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंप्रेशन और टेंशन में किस तरह से होता है वो देख लो यहां पे, ठीक है। तो टेंशन के अंदर तो हमने बना के देखा था कि इस तरह का कुछ आया था, ठीक है। तो ये तो टेंशन में आया था, इट वाज इन टेंशन। कंप्रेशन में भी देखो कैसा आता है, कंप्रेशन में भी ऐसा ही आता है, कंप्रेशन के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है। ये जो इनिशियल वाला जो पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इधर सेम होता है एकदम, ठीक है, सेम। उसके बाद में फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे हो जाता है। तो इनिशियल पोर्शन सेम होता है दोनों के अंदर, ये जो इनिशियल पोर्शन है ये दोनों के अंदर सेम होता है, ये इनिशियल पार्ट, ठीक है, ये इनिशियल पोर्शन दोनों के अंदर सेम होता है, डिट्टो एकदम, ठीक है। तो यहां पे ये तो टेंशन वाला हो गया ऊपर वाला, तो ठीक है, और नीचे ये कंप्रेशन वाला, ठीक है। तो इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन होता है वो दोनों के अंदर होता है, टेंशन में भी होता है कंप्रेशन में भी होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है, एकदम सेम होता है। और जो इसका स्लोप होता है, जैसे इसका मान लो थीटा है और इसका स्लोप फाई है, तो ये बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू फाई, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंप्रेशन, ठीक है, इसका यही तो मतलब है, स्लोप ही तो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सेम हो गया यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज मैं लिखना चाहता हूं, लिख लेना यहां पे एक चीज, यहां पे इस तरह से लिख लेना, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील अंडर कंप्रेशन विल बी सेम
एज अंडर टेंशन फॉर इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन, ठीक है, इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन, इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन का क्या मतलब है यहां पे? इनिशियल स्ट्रेट मतलब पॉइंट आपका ए बी और सी डी। देखो ये प्रैक्टिकली ये चारों पॉइंट एक ही होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, तो वहां तक इसको स्ट्रेट ही मान सकते हो आप। मतलब ये जो हमने टेंशन के अंदर प्लॉट किया है ग्राफ, ये इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी प्लॉटेड लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो चारों पॉइंट यहीं पे है बेसिकली, ठीक है, ऑल द फोर पॉइंट्स आर हियर। तो इसमें भी कंप्रेशन में भी सेम होता है, उसके बाद में ये ऐसे हो जाता है ये कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील अंडर कंप्रेसिव लोड या अंडर कंप्रेशन विल बी सेम एज अंडर टेंशन फॉर इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन एंड देयर आफ्टर इट डाइवर्ज, ठीक है, उसके बाद में ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके बाद में चेंज हो जाता है। तो इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन तक तो ये सेम रहता है यहां तक, तो इसके बाद में ये डाइवर्ज हो जाएगा। इसके बाद में यहां तो देखो टेंशन में तो ऐसा आ रहा था और इसमें ऐसा आ रहा था, कंप्रेशन के अंदर टेंशन में वैसा आ रहा था। तो इनिशियल स्ट्रेट लाइन पोर्शन के लिए सेम रहता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है और जो स्लोप होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे एक और चीज आप नोट कर लेना, जैसे कंप्रेशन के अंदर हमारा जो ई है ये सेम है, एक आगे एक टर्म आएगी पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो भी सेम होता है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा चीज यहां पे आप ऐड कर लो, जो पॉइजन रेशियो आएगा आगे, तो पॉइजन रेशियो इन कंप्रेशन विल बी इक्वल टू पॉइजन रेशियो इन टेंशन, ठीक है, इसको लिख लेना यहां पे। तो पॉइजन रेशियो भी बेसिकली पॉइजन रेशियो भी सेम होता है कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। यहां पे एक स्पेशल नोट में लिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जस्ट राइट डाउन ए स्पेशल नोट, स्पेशल नोट, ठीक है। स्पेशल नोट कुछ इस तरह से है कि स्पेशल नोट कुछ इस तरह से है कि जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं और कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, मतलब कंप्रेसिव लोड लगाते हैं माइल्ड स्टील पे, तो ये बेसिकली स्पेशल नोट है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम टेंशन वाला डाटा लिखेंगे, ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन, ठीक है। तो टेंशन के अंदर तो ये इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का, और कंप्रेशन में इनिशियल लाइन सेम होती है, फिर ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके अंदर क्या, एक आदमी था बोसिंगर, ठीक है, उसका क्या नाम था, बोसिंगर, एक बोसिंगर नाम का एक आदमी था, ठीक है। उसने क्या किया, जैसे ये जीरो है अपना, उसने क्या किया कि, चलो पहले मैं इधर का दिखा देता हूं, उसने क्या किया कि सबसे पहले तो माइल्ड स्टील की एक बार ली और उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करने के लिए लेके चला गया, और उसने टेस्ट करके देखा तो इस तरह का ग्राफ आ गया, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिल गया उसको, टेंशन टेस्ट किया। फिर उसका मन किया कि मैं सेम बार का, उसने क्या किया, इसको फेल नहीं कराया, वो यहां तक नहीं गया था, वो बेसिकली यहीं पे रुक गया था, यहां पे, ठीक है, यहीं पे रुक गया था, आगे नहीं गया वो, ठीक है, मतलब वो इसी रेंज के अंदर रुक गया था,
इसी रेंज के अंदर रुक गया था वो, आगे उसने ज़्यादा लोडिंग नहीं लगाई। मतलब ये जो हमारे ए बी और सी और डी, ये चार पॉइंट्स का क्लस्टर है जिसको हम एक ही मानते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो वो यहीं के आसपास रुक गया। फिर उसका मन किया कि सेम बार पे मैं दोबारा से टेस्ट करके देखता हूँ, तो उसने सेम बार पे दोबारा से टेस्ट किया, ठीक है, सेम बार पे, क्योंकि बार फेल तो हुई नहीं है, वो यहां जाता तब बार फेल होती, तो सेम बार यूज कर सकते हैं हम, सेम रोड यूज कर सकते हैं माइल स्टील की। तो उसने दोबारा से टेस्टिंग की तो उसको कुछ इस तरह से ग्राफ मिला, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। मतलब अब की बार भी वो पूरा आगे नहीं तक गया, वो यहीं तक रुक गया, ठीक है। फिर उसने सेम बार पे टेस्ट किया अगेन, फिर उसको कुछ इस तरह से ग्राफ मिल गया, ठीक है, पूरा नहीं गया वो आगे तक, यही रुक गया था, ठीक है। तो उसको देख उसने देखा कि ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है, ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, उसको कुछ बढ़ी हुई मिली ये यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। द यील्ड स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी रेज्ड, ओके, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील बार वाज फाउंड टू बी रेज्ड अंडर साइकल्स ऑफ टेंसाइल लोड, अंडर साइकल्स ऑफ टेंसाइल लोड, ठीक है, उसको ये लगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, चलो अब कंप्रेशन में देखते हैं, देखो क्या होता है कंप्रेशन में, भी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो कंप्रेशन में उसने पहली बार टेस्ट किया इस तरह से और इस तरह का ग्राफ मिला, तो वो यहीं पे रुक गया था बेसिकली, पूरा उसने ट्रेस नहीं किया। फिर उसने दोबारा से टेस्ट किया सेम स्पेसीमैन पे, तो उसको कुछ इस तरह का ग्राफ मिला कि यहीं पे आके यहीं से डाइवर्ज हो गया, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, बट कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील बार वाज फाउंड टू बी रेज्ड अंडर साइकल्स ऑफ टेंसाइल लोड, वेयर एज इट इज फाउंड टू बी लोअर्ड अंडर साइकल्स ऑफ कंप्रेसिव लोड, ठीक है, ये मिला उसको। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बोसिंगर्स इफेक्ट, इट इज नोन एज बोसिंगर्स इफेक्ट, इट इज नोन एज बोसिंगर्स इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोसिंगर का इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्पेशल नोट यहां पे हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।